नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन ने सभी कट्टरपंथियों और वामपंथियों को मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का सुनहरा मौका दे दिया है। किसानों की आड़ में न जाने अब तक कितने लोग सामने आए हैं जो केवल अपने हित के फायदे में इनके साथ खड़े हो गए हैं। अभी तक तो हमें केवल राजनीतिक नेता ही किसानों के आंदोलन में समर्थन देते हुए नजर आए, लेकिन अब इसमें बॉलीवुड के सितारों ने भी एंट्री मारी है। ये वही बॉलीवुड के सितारे हैं जो देश के अन्य मुद्दों पर आपको शायद ही कभी कुछ कहते हुए नजर आए, लेकिन इन पर आरोप है कि ये तमाम ऐसे मामले होते हैं जो देश और देश की जनता से जुड़े होते हैं और उन पर साथ आना जरूरी होता है, तब ये लोग कुछ भी नहीं कहते। तो चलिए आपको बताते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में जो किसान आंदोलन में सामने आए हैं लेकिन देश हित के तमाम मामलों में चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का, जो इन दिनों हॉलीवुड में अपना हाथ आजमा रही हैं। ये बॉलीवुड की वो सेलिब्रिटी हैं जो दिवाली आते ही पॉल्यूशन का ज्ञान बांटने लगती हैं। इन्हें दिल्ली आते ही धुएं से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेकिन जब यही प्रियंका चोपड़ा मियामी में छुट्टियां मनाती हैं तो इन्हें सिगरेट पीने में कोई परेशानी नहीं होती, और बात जब प्राकृतिक आपदाओं पर बोलने की होती है तो ये भी चुप्पी साध देती हैं। इसी तरह से इन्हें आज किसान आंदोलन की चिंता सता रही है और ये किसान को फूड सोल्जर्स बताते हुए संविधान का हवाला दे रही हैं, जो शायद ही कभी किसी किसान के पास गई हो उनके दुखों के बारे में जानने के लिए। दूसरे नंबर पर आती हैं सोनम कपूर, जिन पर नेपोटिज्म के आरोप कई बार लग चुके हैं। इनको देश के एक भी मुद्दे पर बोलते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, पर ना जाने इन्हें कैसे अब किसानों की याद सताने लगी है। ये वही सोनम है जिन्हें देश के अन्य मुद्दों पर आज तक चिंता नहीं हुई, पर पिछले दिनों इन्हें इस बात की फिक्र सताने लगी कि आखिर पाकिस्तान ने सारी भारतीय फिल्मों पर बैन क्यों लगा दिया। सोनम ने यह भी बताया था कि उनके परिवार के पाकिस्तान के साथ रिश्ते काफी मजबूत हैं। दिल में पाकिस्तान पर फिक्र भारतीय किसानों की। इसके बाद आते हैं रितेश देशमुख, ये भी उसे लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड का काला सच सामने आने के बाद चुप्पी साध दी थी, पर अब इन्हें किसानों की चिंता सताने लगी है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि किसान के साथ खड़े होने वाले रितेश ने इससे पहले भी अपने राज्य में होती किसानों की मौतों पर कुछ भी नहीं कहा था। मशहूर गायक विशाल ददलानी को मोदी विरोधी माना जाता है। विशाल ददलानी भी किसानों के आंदोलन में अपना समर्थन देते हुए लिखते हैं, सिख किसान जिन्हें वाटर कैनन और आंसू गैस दिए जा रहे हैं, वे उन सैनिकों को पीने का पानी दे रहे हैं जो उन पर हमला कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन से ऐसी तस्वीर भी सामने आई थी जहां सुरक्षा कर्मी प्रदर्शनकारियों को खाना देते हुए नजर आए थे, लेकिन विशाल ददलानी का प्रोपोगेंडा उस तस्वीर पर काम नहीं करता, इसलिए वे केवल वही चीजें शेयर कर रहे हैं जिनके जरिए इनका गुस्सा भी निकल जाए और किसानों को यह भी लगे कि विशाल ददलानी उनके समर्थन में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में किसानों का साथ देना गलत है। लोकतंत्र में आवाज ही एक ऐसा सशक्त हथियार होता है जिससे हम सरकार को तानाशाह होने से दूर रखते हैं। हम इन फिल्मी सितारों को किसानों के समर्थन करने का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें हर उस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए जो देश और देश की जनता के हित में हो, सिर्फ चुने हुए मुद्दे ही नहीं। खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।